साध्वी रेप केस में सजा काट रहे राम रहीम को लेकर नई बात सामने आई है। दरअसल वह जेल से ही एक बड़ा काम करने की तैयारी में है। ऐशो आराम की जिंदगी जीने वाला राम रहीम अब धीरे धीरे जेल की जिंदगी के हिसाब से अपने को ढालने का प्रयास कर रहा है। जेल में मिलने के लिए उसके परिवार के लोग भले ही अब तक नहीं आए हों, मगर दुष्कर्म की सजा काट रहे कैदी से मिलने वीरवार को उसका वकील सुनारिया जेल पहुंचा, जहां पर सघन जांच के बाद उसे राम रहीम से मिलाया गया। इस दौरान वकील ने वकालतनामे पर हस्ताक्षर कराने के साथ कुछ कपड़े बाबा को दिए। राम रहीम दुष्कर्म मामले में सुनारिया जेल में 20 साल की सजा काट रहा है। उसके वकील गुरुदास सिंह ने उससे मुलाकात की, जहां पर उन्होंने जेल मैनुअल के हिसाब से वकालतनामे पर हस्ताक्षर लिए। इस दौरान गुरुदास सिंह ने 3 जोड़ी सफेद रंग के कुर्ता पायजामा बाबा को जेल में पहनने के लिए दिए। 25 अगस्त को पंचकूला CBI कोर्ट की ओर से उसे साध्वी के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी माना गया था, जिसके बाद 28 अगस्त को उसे दुष्कर्म के 2 अलग अलग मामलों में 10-10 साल की कैद हुई है। कैदी राम रहीम को लेकर सुनारिया जेल के आसपास जिला प्रशासन की ओर से धारा 144 लागू कर रखी है। इसके साथ ही सुनारिया जेल की ओर आने वाले मार्ग पर नाकेबंदी की गई है। इस नाके से गुजरने वाले राहगीरों की सघन जांच की जाती है। जेल के भीतर चक्की के पास राम रहीम के लिए अलग से बैरक बनाया गया है, जिसमें उसे रखा गया है। जेल सूत्रों की माने तो उसे अभी आम कैदियों से दूर कुछ लोगों की निगरानी में रखा गया है। 13 दिन के भीतर उसे मिलने वालों की एक सूची भी जारी हुई थी, जिसमें उसकी कथित मुंह बोली बेटी हनीप्रीत का नाम नहीं था। 5 दिन पहले उसके परिवार वालों को मिलाए के लिए ढयोढ़ी पर आना था, मगर उसके परिवार से अब तक कोई नहीं आया। CBI की ओर से चल रहे अन्य मामले में राम रहीम की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी होनी है, जिसे लेकर IG रोहतक नवदीप सिंह विर्क व IG जेल के साथ अन्य पुलिस अधिकारियों की बुधवार को सुनारिया पुलिस परिसर में बैठक भी हुई थी। गौरतलब है कि कैदी राम रहीम के चक्कर में अन्य कैदियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जेल प्रशासन की ओर से उसकी सुरक्षा को लेकर अन्य कैदियों की मिलाई का समय 30 मिनट से घटाकर 05 मिनट कर दिया गया है। जेल में बंद लोगों से मिलने के लिए आने वाले परिजनों की ओर से इस समस्या को लेकर आवाज भी उठाई जा चुकी है।